वीर अपहरण मामले में 48 घंटे में घुग्गुस पुलिस ने अपहरणकर्ता को हिरासत में लिया। आरोपी को कोर्ट में पेश करने पर कोर्ट ने आरोपी की जामिन मंजूर कर दी है। घुग्गुस शहर के पुराने बस स्थानक परिसर के दुर्गा माता मंदिर के पास से 8 वर्षीय वीर सनी खारकर के अपहरण मामले में घुग्गुस के ड्रीम लैंड सिटी क्षेत्र के रहने वाले आरोपी को घुग्गुस पुलिस ने गिरफ्तार किया। आगे की जांच घुग्गुस पुलिस कर रही है। 3 नवंबर शाम 5:30 बजे के आसपास 8 वर्षीय वीर सनी खारकर इस बालक का एक अज्ञात व्यक्ति ने अपहरण किया था। अपहरण की जानकारी मिलने पर घुग्गुस पुलिस समेत चंद्रपुर पुलिस दल के गुन्हे शाखा ने खोजबीन शुरू की थी। सोशल मीडिया में भी इस घटना की चर्चा जोरों पर थी। अपहरण के 12 घंटे के भीतर वीर सन्नी खारकर को खोज करने में पुलिस को सफलता मिली। गुरुवार सुबह नागपुर के सोने गांव से वीर को घुग्गुस पुलिस ने वापिस घुग्गुस लाया था। घुग्गुस पुलिस के मुताबिक 3 नवंबर को घुग्गुस के रहने वाले सनी खारकर ने घुग्गुस पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। उनका बेटा लापता होकर किसी अज्ञात के साथ वाहन पर दिखने की जानकारी दी, जिस पर घुग्गुस पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया। तांत्रिक एवं गुप्त सूचना के आधार पर घुग्गुस पुलिस ने 12 घंटे के भीतर वीर को ढूंढने में सफलता पाई। यामाहा वाहन की जाँच पड़ताल के दौरान घुग्गुस के ड्रीमलैंड सिटी क्षेत्र में रहने वाले आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर युवक ने गुने की कबूली दी, जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आगे की जांच घुग्गुस पुलिस कर रही है। घटना के बाद घुग्गुस पुलिस स्टेशन में चंद्रपुर के उपविभागीय पुलिस अधिकारी शिलवंत नांदेड़कर ने घुग्गुस थाने में भेंट दी और थानेदार राहुल गांगुरडे के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक गोरक्षनाथ नागलोन, गुना शोध पथक के गौरीशंकर आमटे, सुधीर मत्ते, प्रकाश कर्मे, सचिन बोरकर, नीलेश तुमसरे, रंजीत बुरसे, सचिन डोहे, नितिन मराठे ने कार्रवाई की और अपहरणकर्ता को तुरंत ढूंढ निकाला। आरोपी को कोर्ट में पेश करने पर कोर्ट ने आरोपी का जामीन मंजूर कर दिया है, ऐसी खबर है।